कुछ एक्ट्रेस ऐसी होती हैं जो कुछ फिल्मों में दिखाई दी और उसके बाद पर्दे से गायब हो गईं। साल 1982 में आई गोविंद मुनीस की फिल्म नदिया के पार में नजर आने वाली लीड एक्ट्रेस साधना सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फिल्म में सचिन पिलगांवकर और साधना सिंह अहम भूमिका में थे। ये दोनों की डेब्यू फिल्म थी। फिल्म में गूंजा का किरदार निभाने वाली साधना सिंह अचानक बड़े पर्दे से गायब हो गईं। लेकिन दोस्तों, फिल्म को आए तकरीबन 39 साल बीत चुके हैं और इन बीते सालों में फिल्म की चुलबुली एक्ट्रेस गूंज यानी कि साधना सिंह इन दिनों कहाँ हैं, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नदिया के पार फिल्म में अपने चुलबुले किरदार के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस साधना सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वहीं बात करें इनके अभिनय करियर की, तो अभिनेत्री साधना सिंह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1982 के ब्लॉकबस्टर फिल्म नदिया के पार से की, जिसमें उनके गुंजा के किरदार को आज भी दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है, जिसके चलते लोग आज भी इस फिल्म को उतना ही पसंद करते हैं जितना कि पहले किया करते थे। और इस फिल्म की रिलीज के बाद साधना सिंह हिट हो गई थी, जिसके चलते आज भी इन्हें गुंजा के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद इन्हें कई और फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, जिनमें सुपर 30, औरत, परिवार और मुक्केबाजी जैसी बेहतरीन फिल्मों के नाम शुमार हैं। इन्होंने आज भी अपने अभिनय करियर को बरकरार रखा है, जहां ये साल 2016 में आई फिल्म जुगनी और साल 2019 में आई फिल्म जिंदगी तुमसे में अभिनय करती दिखाई दी। आपको बता दें कि साधना सिंह एक गायिका भी रह चुकी हैं। साथ ही साधना सिंह ने टीवी पर जैसी जैसी कोई नहीं में जस्सी की मां के किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। इसके साथ ही इन्होंने टीवी इंडस्ट्री के कई और सीरियल्स में भी अपने अभिनय का जादू चलाया और दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी। दोस्तों, नदिया के पार फिल्म को रिलीज हुए तकरीबन 39 साल हो चुके हैं और बीते सालों में गुंजा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस साधना सिंह काफी ज्यादा बदल चुकी हैं, जिन्हें पहली नजर में पहचान पाना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जितनी खूबसूरत ये इस फिल्म में नजर आई थी उतनी ही खूबसूरत आज भी दिखाई देती हैं। अपना भले ही लंबे समय से फिल्मों में नजर नहीं आई, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आती हैं और लगातार अपनी पोस्ट शेयर करती रहती हैं। हालांकि कई हिट फिल्म देने के बाद साधना सिंह अचानक रुपेले पर्दे से गायब हो गईं। साधना खुद बताती हैं कि उन्हें उनकी पसंद की फिल्में नहीं मिली, इसलिए उन्होंने घर गृहस्थी में वक्त बिताना ज्यादा बेहतर समझा। वह दोस्तों, आपको साधना सिंह की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी, आप हमें उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।